क्या कांग्रेस ने मॉनसून सत्र बर्बाद करने का प्लान बनाया था? आखिर क्या था कांग्रेस का सीक्रेट प्लान? संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरने के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार किया था, लेकिन उसकी तैयारी ऐसी होगी इसका अंदाजा किसी को भी नहीं रहा होगा। दरअसल कांग्रेस का एक दस्तावेज मीडिया में सार्वजनिक हो गया है। इसमें उन सभी मुद्दों का जिक्र है जिनके जरिए कांग्रेस केंद्र सरकार को निशाने पर लेने वाली थी। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने की इशू टू रेज इन पार्लियामेंट मॉनसून सेशन 2017 शीर्षक वाले अपने 32 पन्नों के इस दस्तावेज में जिन बड़े मुद्दों को शामिल किया था उनमें अखलाक से लेकर जुनैद तक जुड़े मॉब लिंचिंग केस, सहारनपुर हिंसा, एमपी में किसानों की मौत, पशु हत्या पर बैन, गौरक्षा के नाम पर हो रही गुंडागर्दी, बूचड़खाने बंद करने, भारत चीन में तनातनी, पाकिस्तान के साथ सीमा पर गोलीबारी और गुजरात में जीका वायरस पर सरकार को घेरकर संसद ठप करने जैसे कई मुद्दे शामिल थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस डोजियर को एआईसीसी के रिसर्च विभाग ने पार्टी के बड़े नेताओं की निगरानी में तैयार किया था। पार्टी की रणनीति संसद के दोनों सदनों में इन मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने की थी, साथ ही हंगामे के चलते संसद नहीं चलने देने की रणनीति को और धार देना था। लेकिन कांग्रेस अपनी रणनीति को अमली जामा पहना पाती उससे पहले ही ये प्लान लीक हो गया। अब ये दस्तावेज कैसे लीक हुआ इसका तो पता नहीं चल सका है, लेकिन इस दस्तावेज के सामने आने के बाद कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूर शुरू हो गया है। कांग्रेस के इस प्लान के लीक होते ही बीजेपी हमलावर हो गई है और कांग्रेस के इस दस्तावेज को समाज को बांटने वाला करार दे दिया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस के इस दस्तावेज को देश की तरक्की रोकने वाला बताया है। वहीं सामने आए दस्तावेज को सिरे से खारिज करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। सामने आए दस्तावेजों में कितनी सच्चाई है ये तो कांग्रेस ही जाने, लेकिन अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई है तो ये कांग्रेस के लिए किसी किरकिरी से कम नहीं है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।